मारवा देखे रात को फोन देखते सवेर हाँ पर 9 बजे दूध आएगा मैं सिले से आगे 9 बजे दूध डाले। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी हुसैन व्लॉग्स। तो आप सभी कैसे हो, मैं चाहता हूं कि आप ठीक होंगे। तो फाइनली आज के इस व्लॉग में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैंने कई दिनों से आपको एक बताना भूल गया था। तो इस गांव की खासियत ये है कि इस गांव में एक स्वीट बहुत ज़्यादा अच्छे से पकाया जाता है और अच्छे से सेलिंग्स भी किया जाता है। तो आज के इस व्लॉग में मैं ये आपको ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि वो स्वीट कैसे बनाया जाता है और कैसे सेलिंग्स किया जाता है, मैं सब डिटेल से बताऊँगा। तो वीडियो को स्किप मत करना और एंड तक देखते रहना। तो गाइस वहाँ पर चलते हैं। तो आप सामने देख सकते हो कि गाइस उस स्वीट्स बनाने के लिए अच्छे से तैयारी की जा रही है और चूल्हे के नीचे लकड़ियाँ भी जोड़ चुके हैं और कढ़ाई में दूध भी डाल चुके हैं और दूध को उबाल आने पर उस दूध को वो इससे हलाया जाता है क्योंकि वो दूध उबाल आकर चला ना जाए। ये लोग सुबह सवेरे उठ जाते हैं और दूध के लिए निकल जाते हैं और वो दूध लेकर आने के बाद लगभग ये कढ़ाई में बड़े कढ़ाई में ना 100 लीटर का दूध डाला जाता है और छोटे कढ़ाई में ना लगभग 80 लीटर का दूध जमा हो जाता है। तो दूध कैसा डाला जाता है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो आप देख सकते हो कि सामने दो लोग दूध डाल रहे हैं इस कढ़ाई में और बचे हुए बकिया दो कड़ियों में भी पहले ही डाल चुके हैं इस दूध को। तो सामने वो कैन दिख रहे हैं, वो दूध के कैंस हैं। तो चलिए गाइस ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सलाम नमस्ते कैमजोक को सगा। तो हम यहाँ पर अपने फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर खवा पकाया जाता है और दूध को गर्म किया जाता है। तो हम सब डिटेल से आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए गाइस, ये लोग ना पहले दूध को अच्छे से गर्म कर लेते हैं और अच्छे से गर्म होने के बाद इसमें शुगर भी डाला जाता है। तो सब मैं आपको दिखाऊँगा। सुल्तान भाई और सैफ अली भाई और खजूर भाई भी है, तो उनसे मैं दो बातें बोलने को पूछताछ करूंगा। तो बोले सुल्तान भाई, यहाँ पर 9 बजे दूध आएगा। मैं सिले से आगे 9 बजे दूध डालेंगे और 10-11 बजे तक उछालेंगे, 1 बजे खवा उतरेगा और 3-4 बजे तक काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्या भाई खजूर भाई, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हेलो भाई। क्या भाई सैफ अली भाई, बोल भाई, कुछ नहीं बोला भाई, आपने तो हमारा काम तो होना ही है यहाँ पे, ऐसा उछलना रहेगा इसको खवा पकाने के लिए, ये स्वीट बनने के लिए उछलना पड़ेगा। देखिए भाई, तो आप भी देखिए सुल्तान भाई ना दूध को बहुत अच्छे से उछाल लेते हैं क्योंकि इनको बहुत सी प्रैक्टिस रहती है डेली, क्योंकि डेली बनाते रहते हैं। तो सामने देखिए गाइस, भोगने में दूध भी डाल चुके हैं। तो आपको मैं उन कैंस भी दिखाऊंगा जिस कैन में दूध लाया जाता है। इन ये सब कैंस में दूध भर कर लाया जाता है, हर गांव से चुन चुन कर दूध उतार कर लेकर आया जाता है गाइस, क्योंकि ये स्वीट्स ना बहुत बढ़िया बनाते हैं। इस दूध को इसलिए इतना अच्छा उबाला जाता है क्योंकि जितना अच्छा उबलता है उतना ही टेस्टी रहता है और इस पर अच्छा कलर भी आता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी टेस्टी भी रहता है और दूसरे लोग लेने में भी पसंद करेंगे। अब मैं आपको इस स्वीट्स में शक्कर कैसे डाला जाता है अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसे ही देखते रहिए। इन स्वीट्स में जितना दूध डाला जाता है उतनी अच्छी ही शुगर भी डालनी पड़ती है क्योंकि आप भी देख सकते हो कि वो लोग हाथों से नहीं बल्कि थैले से ही उंडर लें, तो आपको अंदाज़ा भी हो रहा होगा थैले से कितनी शक्कर पड़ती है। इस वीडियो को थोड़ा सा नज़दीक करता हूँ कढ़ाई के, तो आप भी देख लो कि ये दूध को कितना उबाला जाता है। तो आप भी देख लो गाइस, ये दूध ना आपको थोड़ा सा सफ़ेद ही लग रहा होगा क्योंकि ये और थोड़ा अच्छे से उबलने के बाद ये रंग खुद ब खुद बदलने लगेगा और अच्छा भी लगने लगेगा।
तो आप फाइनली देख भी सकते हो कि यहाँ की स्वीट्स बन चुके हैं और कढ़ाई भी नीचे उतार चुके हैं। आप देखने पर बहुत अच्छा लग रहा है और खाने पर भी बहुत स्वादिष्ट लगेगा, बहुत मीठा और बहुत अच्छा लगेगा। और ये स्वीट ना बुगनों में डालकर दूसरे दुकान पर सेल्स किया जाता है और ये बहुत अच्छे सेल्समैन हैं और बहुत अच्छा पकाते हैं और उतना ही अच्छा सेल्स भी किया जाता है। ये दिन ब दिन हर दिन बनाया जाता है यहाँ पर। मुझे ना यहाँ का स्वीट्स ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं जब भी लूँगा यहाँ से ही ख़रीद लूँगा। तो आप देख सकते हो कि गाइस मैं यहाँ पर सेल जहाँ सेल किया जाता है मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर घूमने हैं और यहाँ सेलिंग की जाती है डेली। तो यहाँ देखिए हमारे गुंडू भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप कुछ बोलिएगा गाइस। हेलो हाय गाइस, पालकवा सेल्स टू दी बस स्टैंड। ये बस स्टैंड में खोवा बेचने का तरीका है, इसको स्वीट कहा जाता है। ये थोड़ा शक्कर ज़्यादा रहेगा और ये रहा स्वीटलेस, इससे थोड़ा शक्कर कम रहेगा। ये सब प्योर मिल्क से बनाया गया है। ये मेरा दुकान है, ये सेल्स पे है, ये पूरा आंध्रा फेमस है और बेस्ट चलती नहीं है। इधर से तमिलनाडु वाले थोड़े आते जाते रहते हैं और ये हर एक किसान को पता है। ये मेरा दुकान है और हम चाहेंगे अलग दुकान पे। ये है दूसरा दुकान, श्रीनिवास कोटा। आइए, ये बहन ली, ये भी दूसरा अपने अपने पड़ोसी का दुकान है। ये अपना बहन, ये कवा, इसका स्पाइसी रहेगा, ये भी शक्कर कम वाला मस्त कवा। यहाँ पर खावा पकाना खत्म हो चुका है। तो मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि एक लाइक और प्यारे से कमेंट के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो सकता हूँ और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश भी कर सकता हूँ। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इससे 10,000 वीडियो लेकर। जब तक बाय गाइस।